नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग जो सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो वीडियो चल रहा था उसको हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर में इंसर्ट टू डिस्प्ले वाला फंक्शन देखे थे, अब हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर में डिलीट का फंक्शन देखेंगे। पहले हम लोग डिलीट को आगे से, अगर पहला नोड को हमको डिलीट करना हो तो क्या लॉजिक लगेगा, फिर हम लोग देखेंगे पीछे वाले नोड को डिलीट करना है तो क्या लॉजिक लगेगा। उसमें हर एक कंडीशंस को देखेंगे, अगर हमको डिलीट करने का ऑप्शन दे दिया जाए जिस समय नोड नहीं है या एक नोड है या दो नोड है, उस समय हम किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, वो सारे चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो लॉजिक आएगा वो क्या आएगा, हम लोग को आगे से नोड को डिलीट करना है और कंडीशंस में क्या क्या आ जाएगा अगर मेरे पास एक भी नोड नहीं है। अब हमको बोला गया है क्या कि आगे से एक नोड को डिलीट करो, लेकिन लिस्ट में नोड ही नहीं है। जब लिस्ट में नोड ही नहीं है तो डिलीट तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वैसे कंडीशन में हम लोग अंडरफ्लो का कंडीशन दिखाएंगे और रिटर्न हो जाएंगे। अगर एक नोड हमारे पास है और उसको बोला जाए उसी नोड को डिलीट कर देने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नोड को जैसे ही डिलीट करेंगे तो स्टार्ट और एंड में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो उस जगह पर क्या करेंगे, स्टार्ट के वैल्यूज को हम लोग फ्री करेंगे और साथ में स्टार्ट और एंड दोनों में क्या कर देंगे, नल। अगर दो नोड है मतलब एक से ज्यादा नोड है उस जगह पर हमको डिलीट करने के लिए बोलेगा, तो जे नोड को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो इसका एड्रेस कहां पर रहेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके एड्रेस को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो हम लोग टेम्प नाम के एक वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेंगे, फिर स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा था, फिर स्टार्ट को इससे पॉइंट करवा देंगे और फिर इसको फ्री कर देंगे। फिर सर्कुलर लगाने के लिए जो लॉजिक होता था इंड के लिंक में हमेशा स्टार्ट का वैल्यू होता है वो चीज, तो मतलब उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो टेम्प में स्टार्ट का वैल्यू डाले, इसको स्टोर कराए, फिर स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे, मतलब स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का लिंक, उसको बोलकर स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, फिर इस लिस्ट को इस लिंक को फ्री कर देंगे, तो मतलब फ्री टेम्प को फ्री कर देंगे, और फिर बाद में सर्कुलर करने के लिए एंड के लिंक में जो स्टार्ट होता है उस कंडीशन को लगाएंगे। ये करने के बाद हमारा जो सारा काम हो जाएगा तो मेरे पास जे वाला सीनेरियो बनकर आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें कि अगर पीछे से डिलीट करने का ऑप्शन दिया जाए और उस समय बोला जाए कि एक भी नोड नहीं है, अगर हमको बोला जाए पीछे से डिलीट करना है लेकिन नोड है ही नहीं, तो सेम लॉजिक है, आगे से डिलीट करने बोले या पीछे से डिलीट करने के लिए बोले, अगर नोड ही नहीं है तो डिलीट तो कुछ होगा नहीं, तो अंडरफ्लो का कंडीशन आ जाएगा। अगर एक ही नोड है उसको बोला जाए डिलीट करने के लिए लेकिन बोला जाए पीछे से डिलीट करने के लिए, जो गलती से मेरा बिगिन आ गया है जो एंड होगा, तो अगर हमको पीछे से बोला जाए डिलीट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसी नोड को डिलीट करना है तो आगे से जो डिलीट होगा वो पीछे से डिलीट होगा, सेम लॉजिक आएगा, इसमें कोई टेंशन है नहीं और दोनों में स्टार्ट में एंड हो जाएगा। अगर टू नोड्स है और पीछे से बोला जाए डिलीट करने के लिए, मतलब इस वाले नोड को बोला जाए डिलीट करने के लिए, तो इस वाले नोड को अगर बोला जाएगा डिलीट करने के लिए तो हमको सेकेंड लास्ट नोड तक हमको आना होगा लूप चलाकर। तो सेकेंड लास्ट नोड तक आने का क्या तरीका होगा, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे जब तक कि नोड के लिंक में वो नोड का एड्रेस मिल जाए जो आखिरी नोड है। आखिरी नोड कौन होगा, जिसका एड्रेस इंड में होगा। तो मतलब जब तक कि जिस नोड के लिंक में इंड का एड्रेस होगा वही सेकंड लास्ट नोड होगा। तो उस तरीके से हम लोग लूप चलाकर आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद जैसे सेकंड लास्ट नोड पर हम लोग आ जाएंगे उसके बाद वाले नोड को हम लोग फ्री कर देंगे और फिर क्या करेंगे कि जिस नोड में हम थे उस नोड का एड्रेस इंड में डाल देंगे और इंड के लिंक में वापस स्टार्ट को डाल देंगे, तो हमारा आखिरी वाला नोड डिलीट हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग कोडिंग में देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग पिछले दिन का कोडिंग में हम लोग क्या किए थे, इंसर्ट बिगिन और इंसर्ट एंड का दो फंक्शन बनाए थे और डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाए थे। उसी फंक्शन को कोडिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। डिस्प्ले से पहले हम लोग क्या किए, डिलीट वाला लॉजिक लगा लेते हैं। प्रिंट एफ किए यहाँ पर और यहाँ पर स्लैश एन, तीन नंबर में इस बार टू डिलीट फ्रॉम बिगिन कर देते हैं। क्लियर है, प्रिंट एफ स्लैश एन प्रेस फोर टू डिलीट फ्रॉम एंड कर देंगे। क्लियर है, अगर थ्री और फोर जी होगा तो डिस्प्ले वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइव कर लेते हैं
डिस्प्ले वाला मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन 3 वाला जो था, 3 वाला मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले वाला तो मेरा हो जाएगा 5, और 3 और 4 मेरा यहां पर आ जाएगा। केस 3 हमको डिलीट करना है, तो डिलीट वाले फंक्शन के लिए सीधा सीधे डिलीट बिगिन कर एक लॉजिक लिखेंगे, उसमें एड्रेस ऑफ स्टार्ट को पास करेंगे और एड्रेस ऑफ एंड को पास करेंगे। क्लियर है? और इसका कोडिंग लिख के ब्रेक कर देते हैं यहां से। वैसे मेरा दूसरा फंक्शन हो जाएगा केस 4, डिलीट अंडरस्कोर इंड एड्रेस ऑफ स्टार्ट कॉमा एड्रेस ऑफ एंड, ये दोनों कर देंगे और साथ में क्या कर दिए, ब्रेक। क्लियर है? ये चीज कर लेंगे तो ये दोनों फंक्शन का हम लोग प्रोटोटाइप पहले ऊपर में डिफाइन कर लेते हैं। ऑब्वियस है, जिस सीक्वेंस में हम लोग वहां पर नीचे लिखे हैं उसी सीक्वेंस में यहां पर डाल देते हैं। void delete underscore begin struct node star star s struct node star star e। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट वाला, डिलीट अंडरस्कोर एंड लेकर स्टार नोड स्टार स्टार एस स्टार नोड स्टार स्टार ई। अब नीचे फंक्शन का कोड लिखते हैं, डिस्प्ले से पहले लिख लेते हैं हम लोग फंक्शन का कोड। डीजी कोड क्या हो जाएगा, void delete underscore begin struct node star star s struct node star star e। अब यहां पर क्या है, पहला कंडीशन क्या हो गया, अगर स्टार्ट में कुछ वैल्यू है ही नहीं, मतलब स्टार एस इज इक्वल्स टू क्या है, नल ही है, तो ऑब्वियस है कुछ वैल्यू है नहीं और हमको बोला जा रहा है डिलीट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ स्लैश एन अंडरफ्लो, और यहां से क्या हो जाएंगे, रिटर्न। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, यहां से रिटर्न वापस हो जाएंगे, या हम लोग else if भी लगा सकते हैं। पिछले वाले फंक्शन में हम लोग रिटर्न करके किए थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग else if लेकर देखते हैं। else if हम लोग का दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, अगर स्टार्ट और एंड दोनों में सेम वैल्यूज है, मतलब एक ही नोड है, अगर एक ही नोड होगा तो स्टार्ट और एंड दोनों में सेम ही वैल्यू होगा, अगर सेम वैल्यू है तो हम लोग क्या किए, उसको फ्री कर देंगे, फ्री स्टार एस को कर दिए, और उसके बाद फिर क्या कर दिए, स्टार एस और स्टार ई दोनों में क्या हो जाएगा, नल, को कि सिंगल नोड था और वो भी क्लियर हो गया। लास्ट, अगर मेरे पास एक से ज्यादा नोड है तो हम लोग क्या किए थे, एक टेम्प नाम का पॉइंटर लिए थे जिसमें कि स्टार एस का वैल्यू डाल दिए थे और फिर स्टार एस को आगे बढ़ा दिए थे, स्टार एस का लिंक कर दिए थे और फिर फ्री कर दिए थे किसको, टेम्प को, और सर्कुलर करने के लिए इसको ठीक कर दिए थे, मतलब सर्कुलर का क्या चीज था, स्टार ई के लिंक में हमेशा क्या होगा, स्टार एस का वैल्यू, ठीक है। तो एक टेम्प नाम का पॉइंटर था, तो टेम्प नाम का एक पॉइंटर हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड टेम्प नाम का एक पॉइंटर ले लिए। ये तो हो गया मेरा डिलीट वाला फंक्शन। अगर हम पीछे से भी डिलीट करते हैं तो दो लॉजिक तो मेरा सेम ही होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इंड, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर नल ही है, एक भी नोड नहीं है तो यही लॉजिक आएगा, एक लोड है तो जब भी लॉजिक आएगा, यहां पर मेरा बदल जाएगा। इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि लूप चलाकर सेकंड लास्ट नोड तक हम लोग आना होगा। तो पहले हम लोग क्या किए थे,
कि पहला नोड का वैल्यू टेम्प में डाल दिए थे और लूप चलाए थे, कब तक, जब तक कि टेम्प के लिंक में किसका वैल्यू नहीं आ जाए, नॉट इक्वल्स टू स्टार ई का वैल्यू, मतलब आखिरी वाले नोड का वैल्यू नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक हम लोग क्या किए, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का लिंक कर दिए। जैसे ही ये चीज किए उसके मतलब क्या हो गया कि हम सेकंड लास्ट नोड पर आ गए, उसके बाद आखिरी नोड को फ्री करना था तो हम फ्री किसको कर सकते हैं, टेम्प के लिंक को, क्योंकि टेम्प के लिंक में ही आखिरी नोड होगा, और फिर आखिरी नोड डिलीट हो गया तो एंड में किसका वैल्यू हो जाएगा, स्टार ई में किसका वैल्यू हो जाएगा, टेम्प का, और फिर जो सर्कुलर वाला लॉजिक है वो लॉजिक लगा लेते हैं, स्टार ई के लिंक में हमेशा क्या होगा, स्टार एस होगा। ये सारा कोडिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग का सारा काम हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर पहले सेव कर लेते हैं। यस, जैसे कंपाइल किए हम लोग का कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, तो हम लोग इसको प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन कराएंगे। पहला क्या हो गया, आगे से इंसर्ट करते हैं, फिर आगे से इंसर्ट करते हैं, अब पीछे से इंसर्ट करते हैं, फिर पीछे से इंसर्ट करते हैं, तो हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11, 12, 13, 14, डिस्प्ले कराकर देखते हैं, 11, 12, 13, 14, अब डिलीट करते हैं, हम लोग आगे से पहले डिलीट किए तो 11 गायब हो जाएगा, डिस्प्ले कराएं, 12, 13, 14, अब पीछे से डिलीट करते हैं तो 4 दबाए, डिस्प्ले कराने के लिए 5 दबाए, तो 14 भी गायब हुआ, 12, 13, फिर आगे से एक वैल्यू को डिलीट करते हैं तो 3 दबाए, डिस्प्ले कराते हैं तो 12 भी गायब हो गया, अब पीछे से भी एक वैल्यू को डिलीट कराते हैं, 4 दबाए, डिस्प्ले कराए, तो कोई वैल्यू डिलीट नहीं है, अब फिर मांगकर चलो एक और वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं, 3 दबाए, तो ऑब्वियस है कोई नोड है नहीं और हमको डिस्प्ले करा डिलीट कराना चाह रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम कराएगा, अंडरफ्लो, इसका मतलब हम लोग का लॉजिक अभी पूरा प्रॉपर सही, तो हम लोग 0 मार्क का बाहर आ जाते हैं। ये हम लोग का क्या था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोडिंग था। अब आगे हम लोग डबली लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोडिंग करेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए हम लोग को दीजिए इजाजत, आगे हम लोग फिर नए वीडियो लेकर आपके सामने आए।